कहते हैं कि लोगों को अपने बारे में उतना ही बताओ जितना उनके लिए जरूरी है। कि अगर मैं हीरो होता, फिल्म का हीरो होता, तो क्या होता? क्योंकि यार मैंने ये देखा है ना कि ये हीरो लोगों की एक अलग ही टशन होती है। जैसे बहुत से मैंने किस्से सुने हैं, तो इनकी टशन ये होती है कि डायरेक्टर अपना राइटर कितना भी दिमाग इस्तेमाल कर ले, कितना भी दिन रात जाग जाग के उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें लिखे, लेकिन इनको वो ही करना होता है जो ये करना चाहते हैं। समझ रहे हो आप? तो मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैं हीरो होता तो कैसा सीन होता, क्या होता, मतलब क्योंकि सबका हीरोज का अपना अपना एक टशन होता है। अब मान लो डायरेक्टर ने बहुत महीनों मेहनत करके एक सीन जो है सोचा है कि यार ये सीन ऐसे ऐसे रखेंगे, और राइटर ने पूरी मेहनत करके डायलॉग लिखा है कि ये साहब ऐसे बोलेंगे, ये ऐसे बोलेंगे, तब ये ऑडियंस पे ये होगा और ये मजा आ जाएगा पब्लिक को, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अब मान लीजिए डायरेक्टर है, वो सीन समझा रहा है, सर देखिए ये जो है ना, इसमें एक्चुअली हमने ये टाइट क्लोज लगाया, सर ये टाइट क्लोज लगाया और उधर से पीछे से गाड़ी ब्लास्ट होती है, ये पीछे से सर गाड़ी ब्लास्ट हुई और ये सर जूम करते हुए आप सर एंट्री कर रहे हैं, और ये कट। सर ऑडियंस तालियां बजाएंगी, सर मजा आ जाएगा। सर राइटर भी बेचारा अलग दूर बैठे बैठे सुन रहा है कि देखो क्या क्या रिएक्ट करता है, और डायरेक्टर बड़ा एक्साइटेड है, सारा उसने सब लगाया हुआ क्रेन व्रेन और ये, और सर आपको ये कहना है कि तुम पिछले 15 साल से लोगों को मार रहे हो, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ तुम जैसे लोगों को मार रहा हूं पिछले 15 साल से। सर ये डायलॉग सर ये इंपैक्ट पड़ेगा, सर ये डायलॉग अभी इंप्रोवाइज किया मैंने एक्चुअली, तो ये इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन सीन अब हीरो की अलग ही टशन है, हीरो का अलग ही सेंटिमेंट है। वो बोला है चल अब सर इधर ना, इधर स्क्रिप्ट ला, क्या रहे? अरे यार हाँ नहीं, अभी यहाँ पे अभी पहुंचा हूँ, 6 बजे की सुबह शूटिंग थी, अभी मैं 4 बजे शाम के पहुंचा हूँ, बस अभी आधे घंटे में निकलूंगा, देख लेता हूँ शॉट क्या है और फिर उसके बाद फिर मिलते हैं ना। हाँ बिल्कुल मिलते हैं, ओके चलो बाय। अबे स्क्रिप्ट लेके आना, क्या देख रहा है स्क्रिप्ट लेके, क्या है क्या लिखा है क्या ये? तुम पिछले 15 साल से लोगों को मार रहे हो और मैं पिछले 15 साल से तुम जैसे लोग, क्या यार अरे अरे कौन है राइटर भैंचो चूतिया, कौन है, किसने लिखा है? 15 साल से तुम लोगों को मारो, कैसे मारेगा 15 साल से? 15 साल से मेरे को एक्टिंग करते हुए नहीं हुआ तो ये कैसे मार सकता है? तो बताओ, उनके लॉजिक भी बड़े अलग ही वर्ल्ड के होते हैं। अब डायरेक्टर की टेंशन, ये यार ये पिक्चर नहीं करनी, रहा बंद करो, अरे इसको फोन कर यार, मेरे को नहीं करना यार, ये कैसे कैसे लोगों की टीम बनाई यार, कैसा राइटर लाया, कैसे क्या लिखा है ये? अरे तो डायरेक्टर आया आप इतना, सर 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 एक मिनट जस्ट सर, व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन इज, सो सी द थिंग इज वी कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, नाउ दैट्स नॉट कंपल्सरी, आपकी सिर्फ एंट्री है सर और आप बैठे, और डायलॉग भी आप चेंज कर सकते हैं सर, आप अगर कुछ सजेस्ट करें तो दिस वुड बी एन एडिशन टू अवर प्रोजेक्ट सर। वो देखता है, चलो टेक कर दे, कैमरा वैमरा सब सेटअप लगा, अब हीरो के अलग ही कुछ कॉन्सेप्ट चल रहा है। वो देखता है, सुबह से शाम तक थक कर पूरे दिन काम करने के बाद जब एक राजा अपने हाथों की लकीरों को देखता है और उनमें पड़े छालों को देखता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते, लेकिन जब वो दूर से आती हुई अपनी तकदीर यानी अपनी हीर को देखता है तो उसके होठों पे मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहता है, मुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। सो दिस इज द थिंग कि अगर मैं हीरो होता तो क्या करता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग,
और तेरे बिन मैं क्या, मेरे बिन तू क्या, एक दूजे बिन हम अकेले। हाय।